बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि पाकिस्तान पर फिरौनों का एक कबीला मुसल्लत है। ये कबीला हमेशा शक्लें बदल बदल कर आता रहता है। कभी ये जरदारी के रूप में होता है, कभी ये नवाज शरीफ के रूप में, तो कभी ये इमरान खान के रूप में, और कभी किसी फौजी जर्नेल के रूप में। बहरहाल इस कबीले का आने वाला हर हुक्मरान फिरौन ही कहलाता है। आज हम इसी हवाले से मरियम नवाज़ की एक वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। जरा देखिए ये मुख्तसर सी वीडियो। मरियम नवाज अपने चाचा यानी शहबाज शरीफ से कह रही है कि आप इंटरनेशनल सादिक़ो अमीन बन गए हैं, हालांकि वो नेशनल भी सादिक़ो अमीन कहलाने के मुस्तहिक नहीं रहे। अरबों रुपए की करप्शन करने वाले इस खानदान को, यानी इन फिराउनों को, एक फिराउन जिसे इमरान खान का नाम दिया गया है, ये कहकर रगेद रहा है कि मैं इनका एहतसाब करूंगा। तमाम सबूत और गवाहान होने के बावजूद अभी तक किसी भी मुजरिम को कोई सज़ा नहीं दी गई, बल्कि उन्हें बाकायदा हुकूमती सतह पर मुल्क से भगाया गया है। यहाँ इमरान खानी ये भी कहेंगे कि नवाज शरीफ भाग गया है, वापस नहीं आ रहा। तो नवाज शरीफ की पार्टी के कितने ही ऐसे करप्ट लोग, खुद इमरान खान की पार्टी के करप्ट लोग तो इसी मुल्क में मौजूद हैं, क्या उन्हें सजाएँ मिल गई हैं? दर हकीकत ये सारे फिराउन एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर हमारे जज्बात से खेलकर हम पर हुक्मरानी करते हैं, और हम हैं कि पार्टियों में तकसीम होकर एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कानून को नाफज करने की जद्दोजहद से गाफिल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमें हदायत दे। आमीन सुमामीन।